वार्ड क्रमांक 4 में देवास विधायक गायत्री राजे पवार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा चामुंडापुर स्थित युवा प्राथमिक सहकारी भंडार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्री अनाज किया गया। इस कारण से युवा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के उपभोक्ताओं द्वारा धन्यवाद कार्ड एवं आभार पोस्ट कार्ड दिल्ली भाजपा कार्यालय पर प्रेषित किया गया। बहुत बहुत बधाई नारायण मोदी जी को। और मैं उनकी तरफ से हमेशा उन्होंने हमको अनाज फ्री में दिया, उनको मैं बहुत बहुत बधाई चाहती हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत। राशन कार्ड मतलब राशन लेने आते हैं हर महीने, पर वो निःशुल्क मिलता था हमें मोदी जी सरकार की तरफ से, तो धन्यवाद उनको धन्यवाद देना है। धन्यवाद माता के नेतृत्व में जो कार्यक्रम रखा गया है वार्ड क्रमांक 4 में, अनाज वितरण मुफ्त में अनाज वितरण जो प्रधानमंत्री जी ने करवाया था उसके बारे में आज कार्यक्रम रखा गया। इसकी प्रभारी मुझे बनाया गया था वार्ड क्रमांक 4, तो वो मैंने आज कार्यक्रम पूरा किया है। करीबन यहाँ लोगों ने लाभान्वित हुए 101 लोगों को उन लोगों ने राशन लिया गया है उनको किया गया। जैसा कि मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो 17 से लेकर 7 तारीख तक के जो प्रोग्राम चल रहा है सेवा ही समर्पण, उस कार्यक्रम के तहत आज हम महिलाओं को ये कार्यक्रम दिया गया था कि कंट्रोल पर जाकर मोदी जी को धन्यवाद दिया जाए। जिन लाभार्थियों को ये लाभ मिला है उन लाभार्थियों द्वारा मोदी जी का धन्यवाद दिया जा रहा है और उन लाभार्थियों से साइन किए जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 4 कितने कार्ड बने? कितने कार्ड आए? 100 कार्ड आए। कहाँ पहुँचाएंगे ये? मोदी जी के कार्यालय पे पहुँचाएंगे, मोदी जी के पास। कितने हितग्राही है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 50 हितग्राही से ज़्यादा हैं। उनके नेतृत्व यह श्रीमंत राजमाता जी के नेतृत्व में काम किया है और मैंने मुझे विधानसभा की प्रभारी बनाया गया था, जिससे मैंने वार्ड प्रभारी 4 के प्रभारी अर्चना जी धर्मेंद्र सिंह बैस हैं, इन्हें मैंने प्रभारी बनाया था और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्य को निभाया। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश कुमार की ये रिपोर्ट।